हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो पाइप और पाइप फिटिंग्स का लास्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट नंबर 8। अब तक हमने जितने भी आइटम्स किए हैं उसमें से एक ये लास्ट आइटम है जिसको वेल्व्स कहा जाता है। ठीक है, तो वेल्व्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे, कितने टाइप्स ऑफ वेल्व्स होते हैं, क्या उसका वर्किंग मैकेनिज्म है, कौन से कॉमन टाइप्स ऑफ वेल्व्स है जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उसका साइज स्पेसिफिकेशंस क्या है, मटेरियल स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये सारे चीज़ आज हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको हमारा वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका मैसेज आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे बगल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्व्स रखे हुए हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि वेल्व्स का काम क्या होता है। व्हाट इज अ वेल्व? वेल्व एक आइटम है जो मीडियम के फ्लो को कंट्रोल करता है, चाहे वो फ्लूइड्स हो, गैस हो, स्लरी हो, कुछ भी हो, उसके मीडियम के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो मीडियम के फ्लो को कंट्रोल करने का मतलब वॉल्यूम और प्रेशर। ठीक है, तो वॉल्यूम को और प्रेशर को कंट्रोल करने के काम में आता है। तो वेल्व्स ओपन कंडीशन में रहेंगे तो मीडियम को अलाउ करेगा, और वेल्व को बंद कर देंगे तो मीडियम का फ्लो जो है वो बंद कर देता है। ठीक है, तो इसमें हमको देखना होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्व्स इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसमें से जो सबसे कॉमन वेल्व है वो बॉल वेल्व आता है, उसके बाद बटरफ्लाई वेल्व है, ग्लोब वेल्व है, गेट वेल्व है, चेक वेल्व है, प्रेशर रिलीफ वेल्व है, कंट्रोल वेल्व है, डायफ्राम वेल्व है, थ्री वे वेल्व है, फोर वे वेल्व है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्व्स। हम लोग इसमें से कॉमन कुछ करेंगे। कॉमन है जैसा पहला हम लोग देख रहे हैं बॉल वेल्व के बारे में। तो ये हमारा बॉल वेल्व आ गया, ये दिस वन। देखने में कुछ इस प्रकार का रहेगा, और इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये इसका लीवर है। तो इस लीवर को आप 1/4 टर्न में ये ओपन हो जाएगा और ये 1/4 टर्न पे क्लोज हो जाता है। जस्ट लाइक आपके घर में जो टैप कनेक्शन होता है, 1/4 में खुलेगा, 1/4 में बंद हो जाएगा। पूरा 360 डिग्री रोटेशन इसका नहीं है, यानी कि इसका वर्किंग मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है। 1/4 टर्न में खुलेगा, 1/4 टर्न में बंद हो जाएगा। तो चूंकि ये इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत क्विक होता है, तो इसमें चांसेस होता है लिक्विड हैमरिंग का, या फिर फ्लूइड हैमरिंग आकर के इसके बॉल से टकराएगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है बॉल वेल्व का। तो ये लीवर आप देख रहे होंगे, ये उसका लीवर है 1/4 टर्न में जो ओपन होता है और क्लोज होता है, और उसके अंदर एक बॉल लगा हुआ है। अभी इस इमेज में जो आप देख रहे हैं, जिसमें ब्लू कलर का इमेज दिख रहा है बॉल का, तो ये सर्कुलर स्फेरिकल जो है वो बॉल है, और उसके बीच में एक आपको बोर जैसा दिख रहा होगा। तो अभी ये अभी जिस कंडीशन में इमेज दिख रहा है, और इधर देख लीजिए उसी का जो आउटर व्यू दिखा रहा है, जिसमें वो बॉल स्टेनलेस स्टील का आपको बॉल दिख रहा है, अभी ये क्लोज कंडीशन में। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, 1/4 टर्न में ओपन करेंगे, तो ये जो बोर है वो पाइप के लाइन के बीच में आ जाएगा और मीडियम को अलाउ करता है। इजी ऑपरेशन है, मेंटेनेंस लेस है, ज्यादा कोई मेंटेनेंस करने का भी इसका जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, बस ग्रीसिंग वगैरह करते रहेंगे लीवर पे, तो आपका वर्किंग मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट वेल्व है हमारा ये ग्लोब वेल्व। देख लीजिए, जाइंट वेल्व है, बड़ा साइज में होता है, ग्लोब से काफी बड़ा होता है। ठीक है, और इसका बॉडी आप देख रहे हैं, तो ये जो है वो आउटर बॉडी आ गया। तो ये जो है वो एक यहाँ पर एक नट लगा हुआ है, और ये बॉडी व्हील है। ये 360 डिग्री रोटेशन पे ये खुलेगा भी और बंद भी होता है। अब इसके नीचे वाला इंटरनल पार्ट में ये यहाँ से सेपरेट आप कर सकते हैं ग्रीसिंग वगैरह करने के लिए, यहाँ से ये सेपरेट हो जाएगा, यहाँ ग्रीसिंग कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला बॉडी, इस पार्ट को हम लोग देखते हैं, तो ये इसके इंटरनल जैसा इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आउटर बॉडी है, बॉडी के बगल में ये आपको इंटरनल में आपको दिख रहा होगा सीट, और इसका पैरेलल नहीं है ये अंदर में, ये थोड़ा क्रॉस टाइप का जा रहा है, डायरेक्ट फ्लो को ये लेता नहीं है, थोड़ा एंगुलेट में ये चल रहा है जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। और ये बीच में जो ये आपको डिस्क दिख रहा है ऑरेंज कलर का, यही है इसका ग्लोब। ठीक है, जो कि स्टेम के साथ कनेक्टेड है, और आप जैसे ही इस व्हील को रोटेट करेंगे वो धीरे धीरे खुलेगा और धीरे धीरे
बंद होगा। अब इसका वर्किंग मैकेनिज्म बहुत स्लो है, धीरे से खुलता है और धीरे से बंद होता है, तो इसमें चांसेस ऑफ लिक्विड हैमरिंग बिल्कुल ही नहीं होता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लो को कंट्रोल करने के काम में ये आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए कि चूंकि इसका वर्किंग मैकेनिज्म बहुत स्लो है, तो जो फ्लूइड आ रहा है लाइन के बीच में से, पाइपिंग सिस्टम के अंदर से आ रहा है, या फिर कुछ भी कोई भी स्लरी आ रहा है, तो वो चूंकि इसका वर्किंग मैकेनिज्म बहुत स्लो हो रहा है, तो लिक्विड हैमरिंग जो है जो ग्लोब के ऊपर होना चाहिए ये रेजिस्ट करता है, और प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज बहुत ही ग्रेजुअली होता है। धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज होगा, धीरे धीरे प्रेशर रिड्यूस होगा, ठीक है। तो इसको बेसिकली लाया जाता है वर्टिकल लाइन में। वर्टिकल लाइन यानी कि ऊपर से जो मीडियम आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसको वर्टिकल लाइन में इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा वाल्व जो है वो है गेट वाल्व, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी एक 360 डिग्री व्हील लगा हुआ है, यानी कि इसका वर्किंग मैकेनिज्म और ग्लोब वाल्व का वर्किंग मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम टू सेम है। ये भी धीरे धीरे खुलेगा और धीरे धीरे बंद होगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये ओपन कंडीशन में है, और जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो इसके अंदर से आपको एक जो है वो गेट आता हुआ दिखाई देगा। देखिए ये यहाँ पर जो है वो आपको एक सीधा प्लेट है, एक सीधा प्लेट जो है वो वर्टिकली इसके अंदर आकर के सीट पे जाकर के बैठ जाता है, जो उसका ग्रू होता है उसमें जाकर के वो बैठ जाएगा। तो वर्किंग मैकेनिज्म इसका और ग्लोब वाल्व का जो है वो सेम टू सेम है, स्लोली ओपन एंड स्लोली क्लोजेस, सो लिक्विड हैमरिंग का चांसेस जो है वो इसके अंदर भी नहीं होता है। प्रेशर ड्रॉप या प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज जो होता है वो बहुत ग्रेजुअली होता है, धीरे से। बनिस्बत अगर आप ग्लोब वाल्व से कंपेयर करेंगे तो ग्लोब वाल्व में सडन इंक्रीज इन प्रेशर हो जाएगा, सडन डिक्रीज इन प्रेशर होता है, क्योंकि उसका वर्किंग मैकेनिज्म बहुत फास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वाल्व है, नेक्स्ट वाल्व जो है वो हमारा ये चेक वाल्व है। चेक वाल्व या इसका दूसरा नाम NRV, नॉन रिटर्नेबल वाल्व। नॉन रिटर्नेबल वाल्व का मतलब हो गया कि ये सिर्फ एक साइड से मीडियम को अलाउ करेगा, दूसरे साइड से मीडियम को अलाउ नहीं करता है। रिटर्नेबल यानी कि ये जो, अगर ये वाल्व लगा देते हैं आप लाइन में तो इसको सोच समझ के लाना पड़ेगा, क्योंकि ये मीडियम को एक ही तरफ से अलाउ करता है। इसको अगर आप लाइन में कनेक्ट करते हैं तो आपको देखना होगा कि फ्लो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में इस वाल्व को भी लगाया जाएगा, अगर वैसा लगाना होगा, ड्राइंग में असेंबल्ड होगा तो। इसका जनरल पर्पस में, इसका ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो पंप और प्रेशर लाइन में इसको अटैच किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इसका इंटरनल मैकेनिज्म जो है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि इसके अंदर एक डिस्क है, डिस्क के साथ एक आर्म कनेक्टेड है, और वो डिस्क और आर्म जो है वो एक हिंज पिन के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो जैसा कि आप एरो को देखिए कि ये एरो जो है वो सप्लाई को अलाउ कर रहा है तो एक तरफ से जाएगा, लेकिन दूसरे साइड से अगर आप इसको देते हैं तो ये आर्म जो है वो नीचे की तरफ ही रहेगा, वो उठने यानी कि ये उठा नहीं पाता है मीडियम को। तो एक तरफ से आएगा तो ऑटोमेटिक ये आर्म जो है वो उसको अलाउ करेगा, लेकिन दूसरे साइड से अगर आते हैं तो वो उसको क्लोज कंडीशन में ही रखता है। तो ये नॉन रिटर्नेबल वाल्व हो गया, ठीक है। यानी कि इसको समझिएगा कि ये मीडियम को सिर्फ एक ही साइड से अलाउ करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो वाल्व है वो है बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई, दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई वाल्व। तो इसके अंदर एक डिस्क लगा हुआ है, ये देखिए, ये जो है वो, ये इसका डिस्क है जो कि लिफ्ट और स्विंग टाइप में आता है। तो लिफ्ट करेंगे उसके बाद स्विंग करेंगे, तो ये भी 1/4 टर्न में ओपन और क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी वर्किंग मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, और वो डिस्क अगर बीच में है तो फिर वो मीडियम को अलाउ करेगा, और बंद करके रोटेट करके बंद कर देंगे तो मीडियम को क्लोज कर देता है, ठीक है। ये हो गया आपका बटरफ्लाई वाल्व। नेक्स्ट हमारा वाल्व है नीडल वाल्व। नीडल वाल्व, ठीक है। तो इसके अंदर एक जो है वो, ये यहाँ पे एक नीडल होता है, ठीक है, और ये भी 360 डिग्री में काम करता है। तो प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो बहुत स्लोली होता है। तो बेसिकली जैसे हमारा गेट वाल्व है,
तो गेट वेल्व जो है वो एक डिस्क है, प्लेट डिस्क है, जो कि प्रेशर को इंक्रीज, वो जितना स्लोली वो इंक्रीज डिक्रीज करेगा, ये उससे भी और स्लोली इंक्रीज डिक्रीज करता है। यानी कि अगर जहाँ पे अब बिल्कुल माइन्यूट सा प्रेशर इंक्रीज करना है या फिर माइन्यूट सा प्रेशर डिक्रीज करना है, तो वहाँ पे ये नीडल वेल्व का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म सेम वही 360 में ओपनिंग एंड 360 डिग्री में क्लोज किया जाएगा। वर्किंग मैकेनिज्म वही है जस्ट लाइक ग्लोब वेल्व एंड गेट वेल्व। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वेल्व है और सबसे इंपॉर्टेंट वेल्व है, ये है आपका पीएसवी प्रेशर रिलीफ वेल्व। ठीक है, तो प्रेशर रिलीफ वेल्व में आप देख रहे हैं कि एक मान लीजिए एक लाइन को एक पर्टिकुलर प्रेशर पे सेट कर दिया गया है, जैसे मान लीजिए 10 बार पे मीडियम को फ्लो करना है, तो किसी कारण से वो 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है आगे जाकर के, तो वहां एक प्रेशर सेफ्टी वेल्व को कनेक्ट किया जाएगा जिसका बेसिकली काम होगा, और इसको हम लोग जितना प्रेशर पे चाहें उतना प्रेशर पे हम इसको सेट कर सकते हैं। तो वही एग्जांपल हम जैसा आपको दे रहे थे कि जैसे 10 बार पे आप मीडियम को फ्लो कराना चाहते हैं, तो इसको हम लोग 10.5 पे सेट कर देंगे, तो इन केस अगर 10.5 से अगर इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है प्रेशर, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो इसको रिलीज कर देगा। इसीलिए इसका नाम रखा है प्रेशर सेफ्टी वेल्व, प्रेशर को ये स्टोर करता है और बाकी एक्स्ट्रा प्रेशर को ये रिलीज करते जाता है, तो इसका नाम है ये प्रेशर। दो इनपुट, एक इनपुट है एक आउटपुट है, और यहाँ से प्रेशर रिलीज होते रहता है। ठीक है, इसके अलावा और भी आपके पास हमारे पास वेल्व आप देख सकते हैं कि इसमें आपको डायफ्राम वेल्व मिल जाएगा, कंट्रोल वेल्व मिल जाता है, थ्री वे वेल्व है, टू वे वेल्व है, फोर वे वेल्व भी आता है। तो इसे बहुत सारे टाइप का वेल्व अवेलेबल है जिसका हम लोग को यूसेज आगे जा करके सिस्टम में करना पड़ता है, लेकिन ये जो कॉमन टाइप्स हो, जो 6-7 टाइप्स हो हम लोग बात किए हैं आज, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडस्ट्रियल में ऑयल एंड गैस के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब इसका एक पार्ट हो गया, ये तो हम लोग देख लिए कि कितने टाइप्स ऑफ वेल्व है और ये वर्किंग मैकेनिज्म इसका क्या क्या है। ठीक है, अब देखते हैं इसका साइज रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से आता है। तो वेल्व का जो साइज रिप्रेजेंटेशन है वो NB इंटू क्लास होता है, NB इंटू क्लास। तो NB यानी कि इसको हम लोग बोल रहे हैं ये 1 इंच NB या 2 इंच NB या 3 इंच NB या 4 इंच NB, तो ये इनर डायो को बोला जा रहा है नॉमिनल बोर। और फिर क्लास में आ जाएंगे तो 150 क्लास, 300 क्लास, 600 क्लास, 900 क्लास, 1200 क्लास, इस तरीके से इसका जो है वो प्रेशर रेटिंग होता है। तो जहाँ पे जितने क्लास में अवेलेबल हमारा सिस्टम चल रहा है उसी क्लास का उसमें वेल्व लगाया जाएगा। ठीक है, तो NB इंटू क्लास जो है वो इसका साइज। अब देखते हैं इसका एंड, जो आप उसका एंड कनेक्शन हम लोग देखेंगे, तो एंड कनेक्शन जो है ये आपका हो गया फ्लैंज टाइप। तो ये फ्लैंज टाइप है, ये फ्लैंज टू फ्लैंज कनेक्शन कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आएगा ये थ्रेडेड टाइप। तो थ्रेडेड टाइप में ये पाइप के साथ थ्रेडिंग किया जाता है, यानी कि इसमें थ्रेड किया हुआ है। और एक आता है वेल्डेड टाइप। ठीक है, तो वेल्डेड टाइप में भी आपका दो टाइप का अवेलेबल है, एक सॉकेट टाइप आ जाता है और एक बट वेल्डेड टाइप आता है। तो बेवल फेस बना रहेगा, उसके साथ पाइप को डायरेक्टली ला करके वेल्डिंग कर लेंगे, या फिर इस कनेक्शन में इस एंड में सॉकेट बना हुआ रहेगा तो सॉकेट के साथ डाल करके फिर उसको वेल्डिंग कर लिया जाएगा। तो तीन कनेक्शन में अवेलेबल है, सॉकेट टाइप, बट वेल्डेड टाइप, थ्रेडेड टाइप और फ्लैंज टाइप। तो ये इसका एंड कनेक्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब आते हैं इसका मटेरियल स्पेसिफिकेशन। तो दो, तो कार्बन स्टील का अगर वेल्व है तो वो आ जाएगा ASTM A105, और स्टेनलेस स्टील का है तो अगर वो आ जाएगा तो ASTM A304 का भी आ जाएगा, 304 या फिर A316। ठीक है, इसमें और भी मटेरियल स्पेसिफिकेशंस आते हैं क्योंकि इसमें इंटरनल में किसी में SS का लगा हुआ है, कोई पार्ट आउटर बॉडी में कार्बन स्टील का है, फिर एलॉय स्टील का भी आता है। तो और भी मटेरियल स्पेसिफिकेशन देखने के लिए वेल्व के लिए अलग से डेटा शीट मौजूद है, तो हम लोग उसको रेफर कर लेते हैं कि ड्राइंग देखेंगे, ड्राइंग में जो आपका रिक्वायरमेंट है किस टाइप का वेल्व चाहिए, उसका मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या है, तो उसको मैच के डेटा शीट से कर लिया जाता है। तो यानी कि वो एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट है वेल्व के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि वहाँ से एज इट इज़ जो मटेरियल हमको रिक्वायरमेंट है वो वहीं से सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं। होप आपको कुछ तो कुछ इन्फॉर्मेशन, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। इसके बारे में और भी अगर आपको जानकारी हासिल करना है तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमको कमेंट कर सकते हैं,
पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इस नंबर से, ताकि हम आपको और फीडबैक दे दें। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट जो है वो हमको और भी हेल्पफुल होता है, ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियोस और भी आपके सामने ला सकें। ठीक है, तो हमारा सपोर्ट कीजिए और थैंक यू वेरी मच।